नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपका इंतजार अभी खत्म नहीं होगा और इंतजार करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं हुआ, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख निकल गई। टेंट लगा हुआ है, कुर्सियां, सोफे सब लगे हुए हैं, सफ़ेद पर्दे लगे हुए हैं, सफ़ेद कवर लगे हुए हैं। देखिए आप, बिल्कुल रेडी टू यूज़, मंच भी सजा हुआ है। बस एक लाइन की चिट्ठी जाए और तय किए हुए समय पर शपथ ग्रहण हो जाए। लेकिन अब कल भी नहीं होगा शपथ ग्रहण, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र एक दिन के दौरे पर जोधपुर जा रहे हैं। सुबह 11 बजे जोधपुर पहुंच जाएंगे, दिन भर उनके कार्यक्रम हैं। क्षेत्रीय भाषा के सम्मेलन में भाग लेंगे, एक अन्य समारोह में भाग लेंगे, शाम तक लौटेंगे। इसलिए कल शपथ ग्रहण नहीं होना तय हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी दो दिन के लिए चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं, तो ये तो माना जाना चाहिए कि अगर शपथ ग्रहण होता होगा परसों भी, 29 तारीख को भी, तो कम से कम सीपी जोशी चित्तौड़ नहीं जाते, या एक दिन के लिए ही चित्तौड़ जाते। वो दो दिन के कार्यक्रम बनाकर गए, तो इसका मतलब 28-29 को शपथ ग्रहण नहीं होना है। अब बची 30 और 31। 30 को शनिवार है, 31 को संडे है। नए साल की अगवानी में 2023 को विदा देने में लोग इतने मशगूल रहेंगे, पर्यटक भी भरे होंगे जयपुर में, पूरे देश भर में उल्लास का, उत्साह का, उमंग का माहौल होगा। क्या इस बीच मंत्रियों के शपथ से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ विधायकों के घरों में नए साल की खुशी नए संदेश के साथ आएगी? ये देखने वाली बात होगी। इंतजार है, इंतजार इस बात का है कि क्या हैप्पी न्यू ईयर के साथ बधाई देनी होगी, या उसके भी आगे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, अमित शाह की यात्रा, डीजीपी कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर के राज्यों की, इसको भी निकाल दिया जाएगा 7 तारीख तक, ये भी लोग चर्चा करने लगे हैं। हालांकि सहज नहीं लगता इतना लंबा खींच पाना, क्योंकि मंत्रिमंडल में इस समय 3 लोग हैं, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए, काम का बंटवारा होना चाहिए, जिम्मेदारियों का बंटवारा होना चाहिए। हालांकि प्रशासनिक तंत्र सब कुछ करता है, फिर भी पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अंदाज बहुत कुछ डायरेक्शन देता है किसी भी आयोजन को। तो देखना होगा कि 29 के बाद 30-31 में, शनिवार इतवार में, क्या शपथ ग्रहण समारोह हो पाता है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दौरे पर गए मालपुरा टॉक, प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। टोंक के, मालपुरा के विधायक मौजूद थे, सांसद टोंक के जोनापुरिया सुखवीर सिंह मौजूद थे, अलका सिंह मौजूद थी, शायद विजय बैसला को भी मैंने देखा इसमें मौजूद थे, चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल ने नरेंद्र मोदी के वायदे को, गारंटी को फिर से दोहराया और कहा कि देखिए, 1 जनवरी से आपको 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उन लोगों को जिनको अशोक गहलोत सरकार 500 रुपये में दे रही थी। उज्ज्वला योजना के परिवारों को 500 रुपये का सिलेंडर, जो 500 में अशोक गहलोत सरकार कर गई थी, 450 मिलेगा 1 जनवरी से। हालांकि मिलेगा तो पूरी राशि में ही, जो भी 1000 या 1100 जो भी होगा उस दिन दाम, लेकिन सब्सिडी की राशि उनके खाते में आ जाएगी, बैंक खाते में, तो फिर वो सिलेंडर उनको 450 रुपये का ही पड़ेगा। और बहुत सी बातें उन्होंने कही कि हम क्या क्या लागू करेंगे, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। मालपुरा के इस दौरे के दौरान उन्होंने
अपने किन संकल्पों को अमली जामा पहनाने की बात कही है। जयपुर में कार्यक्रम के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी की गारंटी और जो हमने संकल्प पत्र जो हमारा था उस संकल्प पत्र के बाद आज मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को 9 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। चलिए घोषणा कर दी, सब्सिडी 50 रुपए बढ़ जाएगी प्रति गैस सिलेंडर। अब ERCP को लेकर आज दिल्ली में बैठक हुई, ये महत्वपूर्ण बात है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि अभी जल संसाधन मंत्री तो है नहीं राजस्थान में, और इसलिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह वहाँ मौजूद थे। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जो पानी के नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है और उसके कारण ERCP का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, इसको तय किया जाना है, इस पर आज प्रारंभिक चर्चा हुई है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि अगली बैठक में ERCP का कोई रूप दोनों तरफ से आए। मध्य प्रदेश भी अपनी संशोधित योजना लेकर आए, राजस्थान भी अपनी संशोधित योजना लेकर आए। अगली बैठक में ERCP को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, अभी नहीं उठाए, अभी प्रारंभिक बातचीत हुई है दोनों प्रदेश के बीच में और दोनों में जो विवाद है आपस में अपनी अपनी DPR बना कर लाएंगे, उसका क्रॉस चेक होगा, मैच करती है नहीं करती है, और उसके बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय अपना रुख स्पष्ट करेगा। मैं समझता हूँ नदियों को जोड़ने की योजना के तहत इसे डाल दिया जाएगा तो अपने आप इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप निकल आ जाएगा, शायद राष्ट्रीय परियोजना घोषित इसको ऑफिशियली नहीं किया जाए, जिसकी मांग अशोक गहलोत लंबे समय तक करते रहे थे। एक और बड़ी राजनीतिक खबर है, राहुल गांधी फिर यात्रा निकालेगी। अब उनकी यात्रा मणिपुर से मुंबई तक होगी, 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक निकालेंगे। 14 जनवरी से शुरू होकर मकर संक्रांति 15 जनवरी की इस बार हालांकि, पर 14 को होती है वैसे अमूमन, 20 मार्च तक उनकी न्याय यात्रा निकलेगी। इस बार यात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, न्याय यात्रा है, और जस्टिस यात्रा वो मुंबई तक निकालेंगे। इस बार कुछ जगह रास्ते में वो बस से भी यात्रा करेंगे, सारी यात्रा पैदल नहीं होगी, जंगलों से गुजरेंगे, रास्तों से गुजरेंगे तो बसों में जाएंगे, फिर रोड शो करेंगे, जहाँ लोग होंगे वहाँ लोगों के बीच संवाद करेंगे, बात करेंगे, लोग उनके साथ चलेंगे पहले की तरह, लेकिन फिर जब शहर निकल जाएंगे, गांव निकल जाएंगे, कस्बे निकल जाएंगे, फिर बस में बैठेंगे। तो ये अलग तरह की यात्रा होगी, थोड़ी सी अलग, लेकिन इस वक्त वो न्याय कानून, कानूनों में परिवर्तन आदि जो मुद्दे वो इंडियन और रेलेवेंट मुद्दे हैं उन सबको उठाएंगे। 14 राज्यों से के 85 जिलों से ये यात्रा निकलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष को हरी झंडी दिखाकर 14 तारीख को शुरू करेंगे, 14 जनवरी को दिल्ली से या मणिपुर से शुरू करेंगे मेरे ख्याल से। और इस यात्रा में आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही, ये 3 मुद्दे उठाने की बात कही गई है। राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करेगी और शायद 13 जिलों से होकर निकलेगी, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। ये मध्य प्रदेश के रास्ते प्रवेश करेगी और फिर गुजरात की तरफ चली जाएगी और इस दौरान शायद 12-13 जिलों का दौरा करेगी, ऐसा पता लगा है। पूर्वी राजस्थान में खास तौर पर जोर रहेगा और मेवाड़ वागड़ पर जोर रहेगा इस यात्रा में। कांग्रेस के लोग राज जाने के बाद, सत्ता चले जाने के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली इस यात्रा में कितने उत्साह से, जोश से शिरकत करते हैं, क्योंकि पिछली यात्रा की बात अलग थी, तब विधानसभा चुनाव होना था, सैकड़ों टिकटार्थी मैदान में थे, अब तो 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हैं। आप हार चुके हो विधानसभा चुनाव, 25 सीटों पर जीतने की कितनी संभावना है सब जानते हैं,
उसमें भी जोर कितना लगा पाएंगे, जनता वापस पलटकर कितना साथ देगी, ये सब प्रश्नार्थ चिन्ह है। तो क्या इस यात्रा में राजस्थान में वैसा जोश और समर्थन मिलेगा राहुल गांधी को, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हम सबके सामने है, सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है।